मार्सिपान मास्कारपोन मरिंग मैडनेस। आपने इस बार कमाल कर दिखाया मिस्टर एंड मिसेस केक। ये इस साल के नेशनल डिजर्ट कंपटीशन की सबसे बेस्ट एंट्री होगी। ओह थैंक यू पिंकी। और इसे हमारे लिए कैंटरलॉक तक ले जाने के लिए भी थैंक्स। बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात। माफ करना, लेकिन क्या हम सब काम पर लग सकते हैं? ये केक बहुत हैवी है, वो गिर सकता है। तो ठीक है बिग मैक, ट्रेन रिपोर्ट चलो। बिल्कुल ठीक बिग मैक, बस आराम से और धीरे, ये सामान बहुत ही कीमती है। इसकी प्लानिंग और टेस्टिंग में 2 महीने लग गए। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर। चिंता मत कीजिए मिस्टर एंड मिसेस केक, रेनबो डैश फ्लटरशाई, थोड़ी सी पेगा असिस्टेंस चाहिए। मैं इसे वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूंगी। बेशक पिंकी पाई। और हमने कब कहा कि हमें शक है? ट्वाइलाइट, एक सेकंड के लिए इधर आओ। एक्स्ट्रा इंश्योरेंस के तौर पर एक अच्छा सा प्रोटेक्टिव जादू, बेटर सेफ देन सॉरी। एजी, रैरिटी, एक आखिरी चीज। ठीक है एवरी पोनी, हमें सावधानी बरतनी होगी। देखा मिस्टर एंड मिसेस के, मैं इसे यहाँ आराम से ले आई, अब हमें बस इसे लेके जाना है अंदर। इस केक को डिजर्ट कार्ड तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हमें अपने साथ नेशनल डिजर्ट कंपटीशन में इनवाइट करने के लिए शुक्रिया पिंकी पाए। मुझे यकीन है वहाँ की सजावट शानदार होगी। सजावट को छोड़ो, मुझे तो वो सारी टोस्टी ट्रीट्स खानी है। वेल, सबसे टेस्टी ट्रीट होगी केक्स का मार्सिपान मास्कारपोन मरीन मैडनेस। ये मार्सिपान की सारी स्वादिष्ट क्रीमी गुडनेस के साथ मास्कारपोन टार्ट की टैंगीनेस, जिसे बेहद खूबसूरती से मिलाया गया है मरीन की स्मूथ सिल्की स्वीटनेस में, इसीलिए मैं मार्सिपान मास्कारपोन मरीन मैडनेस को बुलाती हूँ। एग्जैक्टली, ये सबसे स्वादिष्ट और मुंह में पानी लाने वाला केक है पूरे इक्वेस्ट्रिया में, और इसे जरूर पहला प्राइस मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं गुस्तावे ले ग्रैंड तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारा क्रूब केक बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता मेरे टेस्टी एक्सेप्शनली एक्सक्विजिट एक्लेयर्स का। वो बेशक सबको हरा देंगे और जीतेंगे फर्स्ट प्राइज, और मैं पहनूंगा ताज चैंपियन का। कोई चांस ही नहीं है ले ग्रैंड। डोनट जो, तुम यहाँ पोनीविल में क्या कर रहे हो? मैं लेने आया हूँ मेरी कॉन्टेस्ट एंट्री का सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सामान, डोनोटोपिया। और इन सुपर स्प्रिंकल्स के साथ मेरे डोनट्स बाकी सभी बेकार डेसर्ट्स को धूल चटाकर जीत लेंगे पहला इनाम और बना देंगे मेरी शॉप को मशहूर हमेशा के लिए। जो, तुम्हारे बेकार डोनट्स मेरे सामने टिक ही नहीं पाएंगे। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ म्यूलिया मार्ड, और पेश है मेरा चॉकलेट मूस मूस। ये हरा देगा तुम सब की ट्रीट्स को और मुझे देगा फर्स्ट प्राइज, और बना देगा इक्वेस्ट्रिया का सबसे अच्छा शेफ। मैडम माइल्ड, आपको और आपके मूस मौसी को कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारे क्लेयर्स मेरे डोनट्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये कंपटीशन मार्सिपान मास्कारपोन मरीन मैडनेस ही जीतेगा। तुम्हारा बकवास केक मेरे मूस को कभी नहीं हरा पाएगा। ये तो साफ है कि कल हम एक बहुत ही शानदार कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे। शायद अब हम सबको जाकर सो जाना चाहिए। मानना पड़ेगा, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। हाँ, मैं भी सोने जा रही हूँ। रुको, क्या तुमने उनकी बातें सुनी? हमें बचाना होगा इनको। मुझे पता है कि इक्वेस्ट्रिया का सबसे अच्छा डिजर्ट है, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो भी ये जानते हैं। तो उनमें से एक आज केक को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, हमें इसकी देखरेख करनी होगी।
पिंकी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हाँ, वो शेफ्स केक को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पर वो ऐसा जरूर करेंगे, मैं जानती हूँ। ठीक है, अगर तुम पहरेदारी करना चाहती हो तो करो, हम सोने जा रहे हैं। मैं उन्हें दिखा दूंगी, मैं पूरी रात जाकर तुम्हारी पहरेदारी करूंगी। कोई भी चीज और कोई भी पोनी मुझे तुम्हें बचाने से रोक नहीं सकती। रुक जाओ, बदमाश कहेंगे। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। क्या? में से कोई एक तो कुछ बुरा सोच रहा है, इसलिए मैं अब तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधेरा कैसे हो गया? केक के नजदीक मत जाना। रुक जाओ चोर। ओ, तुम ठीक हो चोर? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे पता था मुझे तुम पर कड़ी नजर रखनी होगी और मैं ऐसा ही करूंगी। करने के लिए मुझे बधाई मिलनी चाहिए। इतनी जल्दी खुद को ये अवार्ड देने से पहले मेरे ख्याल से तुम्हें ये देखना चाहिए। देखो किसे? हाँ? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? वो मार्सिपान मास्क पोन मरीन मैडनेस, वो देखो, उसे किसी ने खा लिया। अब हमें पता लगाना होगा ये किसने खाया है। तुम्हारा मतलब ये किसी ने खाया है? Exactly! किसने ये खाया होगा? Well, बहुत सारे मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ने के बाद मैं जानती हूँ कि अपराधी को ढूंढने का एक ही तरीका है और वो है इन्वेस्टिगेट। बिल्कुल सही कहा। और चीफ डिटेक्टिव होने के नाते मैं वहीं से शुरुआत करूंगी। इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? हाँ, टॉयलेट बनेगी मेरी बेवकूफ असिस्टेंट जो फालतू के सवाल पूछेगी जिनका जवाब बहुत ही आसान होगा। ठीक है पिंकी, क्या अब हम सुराग ढूंढना शुरू करें? परफेक्ट सिली सवाल माय डियर ट्वाइलाइट, क्योंकि इसका सीधा सा जवाब है हाँ। नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये किसने किया। हाँ? पिंकी, तुम्हें कैसे पता हो सकता है? मुझे पता कैसे नहीं हो सकता, साफ जाहिर है ये जरूर उस बेकर ने किया होगा जो ये जानता है कि उसका बनाया डिजर्ट मार्सिपान मास्कपोन मरीन मैडनेस के सामने नहीं टिक पाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें लगा कि तुम्हारे केस थोड़े फीके दिख रहे थे। केक और केक्स का नेशनल डिजर्ट कंपटीशन जीतने का मौका छीन लेते। पर ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या मतलब है तुम्हारा बेवकूफ असिस्टेंट? पहली बात, अगर तुम ट्रेन ट्रैक्स पर बंधे हुए थे तो यहाँ कैसे पहुँचे? हाँ, मेरे ख्याल से ये सवाल बेवकूफी भरा नहीं है। और दूसरी बात, केक के टुकड़े नहीं किए गए हैं, उसे मुँह से काटा गया है। जरा इन दांतों के निशानों को तो देखो।
तुम सही कह रही हो दोस्त। गुस्ताव लेग्रैंड का इसमें कोई दोष नहीं है, जिसका मतलब है कि को किसी और बेकर ने नुकसान पहुंचाया है। एक बेकर जिसके डोनट्स हैं डू नॉट्स, बिल्कुल सही, वो है जो। या फिर जैसे कि स्पाई वर्ल्ड में उसे कहते हैं मेन, कौन मेन। सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है और जो कोई चालाक कौन में नहीं है वो बस जोर से बोलता है और खतरनाक है। हालांकि तुम एक टक्सीडो में ज्यादा बेहतर लगोगे। शायद तुम सही कह रही हो बेवकूफ असिस्टेंट। शायद अब जब मैं इन डिजर्ट्स को करीब से देख रही हूँ मुझे पता चल रहा है कि इनमें से कोई एक मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा। पिंकी, वो मूस एक मूस है। हाँ, और वो शख्स जिसने ये मूस बनाया है वो कारीगरी देखकर चौंक गया होगा। तो तुम कहना चाह रही हो कि दोषी है म्यूलिया माइल्ड। महसूस हो रहा होगा म्यूलिया। पिंकी बस करो, ये बकवास है, जरा उसे देखो तो। मुझे लगता है तुम सही हो। थैंक यू। पर मुझे पूरी तरह से यकीन था को बर्बाद करने में उन बेकस में से ही किसी एक का हाथ है। इस तरह से उनके स्वादिष्ट डिजर्ट्स जीत जाएंगे। जैसे ये जो का एक खूबसूरत शहर है, डोनिटी डिलाइट का, जिसके ऊपर है स्प्रिंकलिशियस स्प्रिंकल्स, और गुस्ताव के एक्लेयर्स की चमक देखकर किसका खाने का मन नहीं करेगा। और फिर म्यूलिया माइल्ड का मूस मूस। हाँ, ये मुंह में पानी लाने वाला खूबसूरत मूस मूस अपनी सिल्की स्मूथ यमी यमी चॉकलेटीनेस से टेस बड्स को कितना आकर्षित कर रहा है। तो उस अपराधी ने मार्सिपान मास्कपोन मरीन मैडनेस को ही क्यों बर्बाद किया, जबकि इन्हें तो हाथ ही नहीं लगाया। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है ये किसने किया होगा। ये राज तो हर पल और भी गहराता जा रहा है। वेल, तुम्हें लोगों पर इल्जाम लगाना बंद करके सच की तलाश करनी चाहिए। एवरी पोनी, अपनी अपनी सीट्स पर वापस जाइए, तब तक हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे। ओके पिंकी, अब इस गुत्थे को सुलझाने के लिए हमें ढूंढने होंगे सुराग। ओके, तो तुम यहाँ थी मौकाए वारदात पे सारी रात। तुम मुझ पर इल्जाम तो नहीं लगा रही ना? नहीं, पर ये तो हो सकता है कि तुमने यहाँ कुछ देखा हो। मुझे चांदनी में किसी की परछाई दिखी थी। गुड, चलो अब तुम्हारे स्टेप्स को दोहराते हैं। और फिर मैंने उस चोर का पीछा किया आखिरी डब्बे तक, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो वो जा चुका था। आहा, हमारा पहला सुराग। शायद मुझे समझ में आ गया ये किसने किया। इतनी जल्दी? हाँ, पर कंफर्म करने के लिए मुझे और सबूत चाहिए। अब मुझे ये बताओ उसके बाद क्या हुआ। मुझे डेजर्ट कार में किसी और पोनी के होने की आवाज सुनाई दी और मैंने इंजन तक उसका पीछा किया, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बस कंडक्टर दिखाई दिया जो कोयले भर रहा था। कंडक्टर? हाँ,
बहुत अजीब बात है। आगे क्या हुआ पिंकी? फिर मैं वापस डिजर्ट कार में गई। हाँ, और फिर उसके बाद पर्दे अपने आप बंद हो गए। इंटरेस्टिंग। और फिर मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, एक जोरदार, और फिर वो सब चले गए। जब मैंने पर्दों को खोला तो मैंने देखा वो तस्वीर खराब हो चुकी थी। ओह माय, वो क्या है? आगे क्या हुआ पिंकी? बस इतना ही, उसके बाद मैं पूरी रात केक के पास खड़ी थी। मेरा मतलब, मैं केक के पास सो गई थी। और जब तुम उठी तो आधा केक गायब था। हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से शायद मुझे अब सब समझ आ गया है। पोनीज को बुलाओ, हमें केक खाने वाले को पकड़ना है। हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? आप सब सोच रहे होंगे आपको वापस क्यों बुलाया गया है। कितनी सुंदर लग रही है। हमने पता लगा लिया है कि केक को बर्बाद करने वाला कौन है। पर कैसे? वेल, देखो, जब आप कोई जुर्म करते हो तो बहुत जरूरी है कि आप कोई सुराग ना छोड़ो, खास करके सीधा साधा सा सुराग, जैसे कि ये देखिए। आहा, एक नीला पंख। मुझे पता था ये तुम ही हो, गुस्ताव लेग्रैंड। पिंकी, लेकिन गुस्ताव के नीले पंख नहीं हैं। नहीं, क्योंकि इसने उनको डाई किया है। नहीं पिंकी, याद है जब तुमने चोर का पीछा किया था आखिरी डिब्बे तक, तो वो अचानक गायब हो गया था। वो इसलिए क्योंकि वो कूद गया, पर चोर शायद पीछे कुछ छोड़ गया था, है ना रेनबो डैश? मुझे तो केक पसंद भी नहीं। तो ये रेनबो डैश ने किया। केस सॉल्व्ड। केस नॉट सॉल्व्ड, क्योंकि जब हम इंजन के पास गए थे तब मैंने कंडक्टर की हैट देखी थी, और उसकी हैट के अंदर था ये। तो वो तुम थी। ये पिंक बाल तुम्हारी रेनबो कलर्ड बालों में से ही गिरा। पर मेरी बालों में पिंक है ही नहीं पिंकी। तो तुमने विग पहनी है? बस भी करो। पिंकी, याद है तुमने एक पोनी का इंजन तक पीछा किया था, जहाँ तुम्हें लगा कि तुमने कंडक्टर को कोयला डालते हुए देखा था। वो थी फ्लटरशाय। ओह माय, तुम्हारा वक्त आ गया है फ्लटरशाय। पिंकी, पर फिर अगले क्लू से मेरा शक और भी पक्का हो गया। तुम केक पर नजर रख रही थी, तभी पर्दे अचानक बंद हो गए। वो अचानक बंद नहीं हुए थे, उन्हें जादू से बंद किया गया था। पर जब चोर ने वहाँ से भागने की कोशिश की, उन्होंने वहाँ लगी तस्वीर पर कुछ छोड़ दिया। क्या किसी और ने नोटिस किया कि आज रैरिटी ने अपने बाल कुछ अलग बनाए हैं? क्या कभी कभी अपनी हेयर स्टाइल बदलते रहना कोई जुर्म है? मुझे तो लगता है ऐसा ना करना जुर्म है। रियली? मैं मुजरिम हूँ, मैं नकली आईलैशेस पहनती हूँ। और मैंने केक में से एक टुकड़ा खाया था। और मैंने भी। अरे नहीं, मैंने भी खाया था। तुमने इसकी इतनी तारीफ जो की थी। इतना टेस्टी। सच में वो बहुत टेस्टी था। मैं बस एक छोटा सा टुकड़ा खाने वाली थी। वो बहुत अच्छा था। हाँ, मैं तो उस पर टूट पड़ी थी। पर आई एम रियली रियली सॉरी। आई एम सॉरी पिंकी। सॉरी पिंकी। कोई बात नहीं, कम से कम ये राज तो आखिरकार सुलझ गया। अभी नहीं, हमने पता लगाया कि मार्सिपन मास्कोपोन मरीन मैडनेस को किसने खाया, पर बाकी के बेकर्स का सामान भी तो किसी ने खाया है। तुम सही कह रही हो ट्वाइलाइट, तुम जानती हो ना हमें क्या करना है। वेल, मैं जानती हूँ, क्या तुम जानती हो? सुराग ढूंढो। वेल पिंकी, क्या तुम्हें पता चला उन डिजर्ट्स को किसने खाया? हाँ, मुझे पता चल गया। ये काम था किसी और का नहीं, बल्कि बेकर्स का। सबसे पहले गुस्ताव की मूंछों में मूस लगा हुआ है, और जो के बालों में एक्लेयर लगा है, और म्यूलिया इसकी झुर्रियों में स्प्रिंकल्स लगी हैं। तो क्या कहना है तुम सबका बेकर्स? मैं माफी चाहता हूँ मुलिया, पर पिंकी ने तुम्हारे मूस की इतनी तारीफ की थी कि
मुझसे रहा नहीं गया। और पिंकी ने तुम्हारे एक्लेयर्स के बारे में जो मुझसे कहा उसे सुनकर तो मुंह में पानी आ गया। और जिस तरह उसने तुम्हारे टोनोटोपिया की बात की थी वो तो लाजवाब था। वेल एवरीपोनी, आखिरकार हमने ये गुत्थी सुलझा ही ली। हाँ, पर अब हमारे पास कॉन्टेस्ट में ले जाने के लिए डेजर्ट्स ही नहीं है। मेरे ख्याल से हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। कम ऑन। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, आज मैंने सीखा कि सीधे नतीजे पर पहुंचना अच्छी बात नहीं है। आपको किसी भी पोनी पर इल्जाम लगाने से पहले सारे सबूतों पर अच्छे से गौर करना चाहिए। अगर आप ऐसा ना करें तो आप किसी पोनी पर ऐसी बात का इल्जाम लगा देंगे जो उन्होंने की ही नहीं होगी और सब समझेंगे कि आप बेवकूफ हैं। तो आज के बाद मैं हमेशा ध्यान रखूंगी कि सबूतों को गौर से परखूं। ये सबक कैसा है प्रिंसेस सेलेस्टिया? खाना चाहोगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं।